बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो इस्लामिक बयान चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है मैंने जब एक गाँव में दुम्बे का अचार सालन का दुम्बे का अचार क्या चाइना पहुँच गया क्या दुम्बे का अचार कोई पता नहीं अचार भी बन जाए। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, हम दोनों ने देखी थी। वो क्या करी, एक लड़की थी चाइनीज की, वो क्या कर रही है, वो कीड़े मकोड़ों का उन्हें अचार डाला हुआ था। जैसे हम यहाँ अचार डालते हैं ना, तो उन्होंने कीड़े मकोड़ों को फ्राई करके रखा हुआ था बहुत टाइम से, और वो उस कीड़े मकोड़े कॉकरेज को उठा उठा के ना वो सॉस में डबा के खा रही थी। वो जो क्रंची आवाज़ आ रही थी ना, क्रंची की ऐसे, मतलब एकदम उससे वैसा क्रंची बना दिया, क्रश हो रहा था। तो एक बार तो मुंह में पानी आ गया था, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, तो कीड़े मकोड़े भाई इससे दूर ही रहो। तो ये बात आ गई, दुम्बे का सालन है। सालन हम बोलते हैं सब्जी, हमारे यहाँ पर सब्जी बोलते हैं, खासकर दिल्ली और NCR के आसपास, बाकी और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। सालन में भी लखनऊ साइड में सालन बोलते हैं, पता नहीं, यहाँ तो सब्जी बोलते हैं। तो दुम्बे का सालन खाया मुफ्ती साहब ने, और इस्लामिक बयान से वीडियो है। आप चाहो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा किसी गाँव जाना हुआ, उस गाँव में मैंने दुम्बे का सालन खाया, बहुत टेस्टी और हजम भी बहुत होने लगा। हजम ऐसा हो रहा है कि मैं ना थोड़े दिनों में लाल टमाटर बनना शुरू हो गया। बहुत पुराना वाक्य है और गांव में ठंड भी थी, तो मैंने कहा यार मेरा तो मैदा इतना पावरफुल है नहीं कि मैं ये इतना गोश्त भी हजम कर रहा हूँ, तो ये पकाते कैसे हैं? मेरा ख्याल था कुकिंग ऑयल बहुत ही अच्छा किस्म का डालते हैं ये लोग। एक दिन मैं बावर्ची के पास गया, कुक को मैंने देखा, मैंने कहा कर क्या रहा है। उसने दुम्बा ज़बह किया और उसकी चक्की समेत गोश्त उसमें डाल दिया। अल्लाह की कसम, मैं इतना हैरान हुआ कि ऑयल के बगैर भी कोई गोश्त पक सकते हैं। हम तो बचपन से ये देखते आ रहे थे ना, घर में यही था कि भाई कुकिंग ऑयल के बगैर खाना, या तो बीमारों को आप पानी में उबाल के गोश्त सूप पिला दें, वो एक अलग चीज़ है, यखनी जिसे कहते हैं ना, गुस्ले मुर्गी नहीं होता, गुस्ले मुर्गी एक तो होता है ना थोड़ा गाढ़ा, उसमें कॉर्न सूप होता है, एक होता है यखनी, तो ये यखनी नहीं होती है। क्योंकि हमने देखा है कि ये ठेले पे पहले ये यखनी बना के दे रहे होते थे, वो जो मुर्गी 6 महीने पहले लटकाई होती थी ना, 6 महीने बाद भी वही। हम समझते थे शायद प्रॉपर नए सिरे से मुर्गी डाल के सूप बना रहा है। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि ये मुर्गी का सूप नहीं होता, ये गुस्ले मुर्गी है। मुर्गी को पानी में नहला के बाहर निकाला, यानी उसको गोश्त हो ना, बस वो पिला दिया, उससे थोड़ा सा टेस्ट आ, बाकी पता नहीं अलग से गुड़ डाल देते हैं उसमें। तो उसका नाम मैंने अब यखनी हटा के क्या रख दिया है, गुस्ले मुर्गी। तो हम तो ये समझते थे बगैर ऑयल के अगर गोश्त खिलाना ही है किसी को तो पानी में बॉयल करके वो सूप पिलाते हैं, वरना सालन जो पकता है वो तो ऑयल में ही पकता है। तो मैं हैरान हो गया, मैं उनके किचन में गया, मैंने कहा अब ये डालेगा इतना बड़ा घी का डब्बा, इसमें उल्टेगा नहीं उलट रहा। वो पूरी चक्की समेत चर्बी समेत उसने पकाया और ऑयल तेल भी उसमें, जाहिर है वो घी तो जब पिघल के तेल बन जाता है तो वो उसका टेस्ट भी एक नंबर, लज्जत में भी और हजम भी हो रहा है। मैं इतना हैरान हुआ कि यार हमें ये चीज़ हमारे घर में आज तक ये इतनी सेंस नहीं है, ये इस तरह भी पका सकते हैं। तो क्या है, कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट इतनी की है कुकिंग ऑयल की, इतनी की है कि कल्चर ये बन गया है कि ये दुम्बी और ये भेड़ बेवकूफ़ हैं जो कई कई साल इतना बड़ा घी का डब्बा उठा के घूमते हैं, और माज़ अल्लाह कुदरत ने इनको खामखा में टेंशन में डाल दिया। असल तो ये डब्बा है जो मार्केट से मिल रहा है, वो जो घी का डब्बा दुम्बी उठा के अपने साथ घूम रही है, और अल्लाह बज़बान हाल हमें बता रहा है कि ये टेंशन मैंने इसको तुम्हारे लिए दी है कि तुम जब इसको काटो तो तुम्हें अलग से डब्बा खरीदने की जरूरत ना रहे, यही डब्बा इसी डब्बे में गोश्त पका के खाओ, मजा भी आएगा, हजम भी होगा, लाल टमाटर बन जाओगे थोड़े दिनों में। हम तो जब आए ना वहां से, एक महीने का कोई दौरा वौरा था वहां पे, जो दौरा सर्फ ना वगैरह होता, जब मैं आया तो मुझे इतना, मैं लाल टमाटर मोटा ताजा हो गया था कि मुझे मेरे दोस्त कोई कह रहा है मेकअप करके आया है, कोई कह रहा है सर्दी से स्वेलिंग हो गई है और आंखों में ऐसे सुर्ख डोरे और बहुत ही खानदानी सेहत।
और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं रमजान में आया था यहाँ ना, मैं 2 महीने सॉरी एक नहीं 2 महीने का दौरा था हमारा, 2 महीने का दौरा करके जब मैं आया तो रोजे चल रहे थे। जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मैंने इफ्तारी में घर में खाना खाया, उसके बाद मेरे पेट में मरोड़ होना शुरू, क्योंकि वो ऑयल अप आ गया, ऑयल में पका हुआ सालन था। वो 2 महीने जब मैदे ने खालिस चीज़ खाई है तो उसको अब ऑयल समझ में नहीं आया। हमारा जो ऑयल खा के पेट खराब नहीं हो रहा ना, ये इसकी अलामत नहीं है कि ऑयल सही है, ये हमारा पेट इतना खराब हो गया है कि अब ये अच्छी चीज़ इसको समझ में आ ही नहीं रही, ये ढीठ हो गया है। जैसे पहली दफ़ा चरस का सुट्टा लगाओ तो बेहोश हो जाओगे, उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग सुबह शाम चरस पी रहे हैं, तो ये चरस का कमाल नहीं है, ये इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है ना, समझ रहे, ये इनका बेड़ा गर्क हो गया है। तो कल्चर है, कल्चर खोपड़ी ख़राब करता है इंसान की, 2 और 2 4 की तरह चीज़ें समझ में। मैं ये नहीं कह रहा कल्चर हर चीज़ में गलत गाइड करता है, बहुत सी चीज़ें कल्चर की ठीक भी होती हैं। हमारे यहाँ कल्चर है कि मुसलमान होने पर हम फख्र करते हैं, तो ये अच्छा कल्चर है, इसका फ़ायदा हो रहा है कि अपने आप को काफिर कहते हुए लोग आर महसूस करते हैं, भाई जो मर्जी है गुनाहगार हैं मुसलमान, तो ये अच्छा भी है। ये नहीं कि कल्चर, बाज लोगों को ना हैज़ा भी हो जाता है कल्चर के अगेंस्ट चलने का, वो फिर हर चीज़ में कल्चर की। एक साहब ने मिट्टी के प्याले रखे हुए घर में, मिट्टी के बर्तन के, इसमें खाना सुन्नत है, मैं कल्चर के खिलाफ चलूंगा, कल्चर स्टील की बर्तन में खाना खाता है। मैंने कहा भाई तू इंसान का बच्चा बन गया ना, तमीज से जैसे सारे खाना खा रहे हैं ऐसे खा, जो सारे दुनिया जो कर रही है ना वही करो, सारी दुनिया तो गलत है, तो सारी दुनिया हर चीज़ में गलत नहीं होती, बहुत सी चीज़ों में सही भी होती है। स्टील की प्लेटों में खाओ, उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन थे, जाहिर है वो स्टील की इतना वो नहीं था, सादा लोग थे, और उस ज़माने में भी थे तांबे के बर्तन भी होते थे। ये तो है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना, तो काफ़ी कुछ नया आता रहता है। अभी हाल फिलहाल में स्टील के बर्तन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इन आने वाले 50-60 या 100 सालों में कोई और नई चीज़ आ जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हालांकि आजकल वो हालांकि स्टील के उस पर ना खाने में बेनिफिट है, और इवन तांबे पर भी हम खाना खा सकते हैं, बट कहते हैं कि तांबे पर टमाटर और नींबू नहीं होना चाहिए, या तो सब्जी नहीं खानी चाहिए टमाटर जिसमें, हाँ तो तांबे के गिलास में पानी पी लो, वो ज्यादा बेस्ट है। हाँ वो भी ब्लड प्रेशर के लिए होता है कि नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने पीने से रिलेटेड ही वीडियो थी दुम्बे का, इन्होंने बताया नहीं तो हमने कहाँ पर गए थे, ये नहीं बताया, 2 महीने तक ये वहाँ पर रहे और वहाँ पर खाना खाया। जहाँ तक मैं समझ पाऊँ इन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो दुम्बा है ना, उसमें जब उसको पकाया गया तो उसमें कोई कुकिंग ऑयल नहीं डाला गया है, उसको ही दुम्बे को ही डाला गया, सिर्फ दुम्बे को। हाँ तो दुम्बे की जो इंटरनल जो भी चीज़ें थी उससे वो अपने आप ही पक गया, ऑयल बन गया, वो अपने आप ही पक गया वो, और खाने में कह रहे टेस्टी, हालांकि खाने में टेस्टी है और इतनी इनकी हेल्थ बन गई और ये सब हो गया, बट ये भी हालांकि कि खाने में ना जो टेस्ट होता है वो मसालों का होता है, गोश्त का भी इतना नहीं होता, या दाल सब्जियां रोटी इनके सब इनका इतना नहीं होता। विदाउट मसाला अगर आप कोई चीज़ बनाओगे ना, वो इतनी फीकी बनेगी, इतनी फीकी बनेगी कि क्या ही बताएं। और मसाला पकने के लिए तो ऑयल चाहिए होता है ना। हाँ तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में नेचुरली ऑयल वो चीज बन गई। हाँ मतलब जो उसकी चर्बी की दुम्बे की चर्बी का जो ऑयल था ना, वो उसने रिड्यूस कर दिया आग में आने के बाद, हीट में आने के बाद, और उसमें वो पका तो बढ़िया हो गया वो। ये भी है कि मसाले को भुनने के लिए वो करने के लिए ऑयल चाहिए, ठीक है, बट लिमिट में डालो, कम डालो लिमिट में डालो तो भी ठीक है, हद से ज्यादा। पहले तो लोग फॉर्च्यून रिफाइंड पता नहीं क्या रिफाइंड खाते थे, ठीक है, अब धीरे धीरे आके देसी घी में बनाना शुरू किया है, या मस्टर्ड ऑयल में, या ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल महंगा है थोड़ा, आम इंसान के रीच से बाहर है देखा जाए तो, बट जो एफर्ट कर सकते हैं वो करो, क्योंकि ओलिव ऑयल सबसे बेस्ट है, उसमें खाना बनाओ एकदम सही बनता है, टेस्टी बनता है, और वो ज़्यादा यूज भी नहीं होता, नॉर्मल क्वान्टिटी में यूज होता है। तो बढ़िया थी वीडियो आज की, और खाने पीने से रिलेटेड थी, मुफ्ती आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, और बस जी सब था। बिल्कुल, तो चलते हैं गाइस, इस्लामिक बयान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।